अब आपको बताएं, डेरा इस्माइल खान में सी पैक टोल प्लाजा के करीब फायरिंग हुई। मौलाना फजल रहमान के काफिले की गाड़ियां फायरिंग के वक्त वहां से गुजर रही थी। मौलाना अताउर रहमान दरवेश ने समा को बताया कि मौलाना फजल रहमान गाड़ी में मौजूद नहीं थे, वो घर पर हैं। मालूम नहीं फायरिंग किसने और क्यों की है। तो आपको बता रहे हैं, डेरा इस्माइल खान में सी पैक टोल प्लाजा के करीब फायरिंग, मौलाना फजल रहमान के काफिले की गाड़ियां फायरिंग के वक्त वहां से गुजर रही थी। मौलाना अताउर रहमान दरवेश ने समा को बताया कि मौलाना फजल रहमान गाड़ी में मौजूद नहीं थे, वो घर पर है। मालूम नहीं फायरिंग किसने और क्यों की है। मौलाना फजल रहमान के काफिले पर हमला नहीं हुआ, आरपीओ डीआई खान का ऐसा मौकिफ सामने आया है। अब आपको बताएं, डेरा इस्माइल खान में सी पैक टोल प्लाजा के करीब फायरिंग हुई। मौलाना फजल रहमान के काफिले की गाड़ियां फायरिंग के वक्त वहां से गुजर रही थी। मौलाना अताउर रहमान दरवेश ने समा को बताया कि मौलाना फजल रहमान गाड़ी में मौजूद नहीं थे, वो घर पर हैं। मालूम नहीं फायरिंग किसने और क्यों की है। तो आपको बता रहे हैं, डेरा इस्माइल खान में सी पैक टोल प्लाजा के करीब फायरिंग, मौलाना फजल रहमान के काफिले की गाड़ियां फायरिंग के वक्त वहां से गुजर रही थी। मौलाना अताउर रहमान दरवेश ने समा को बताया कि मौलाना फजल रहमान गाड़ी में मौजूद नहीं थे, वो घर पर है। मालूम नहीं फायरिंग किसने और क्यों की है। मौलाना फजल रहमान के काफिले पर हमला नहीं हुआ, आरपीओ डीआई खान का ऐसा मौकिफ सामने आया है।